गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शेपर्स एजुकेशन। अब जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम्स पास में आ रहे हैं, 12 सीबीएसई वालों के, 12 गुजरात बोर्ड वालों के, बाकी भी बहुत सारे बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स पास में आ रहे हैं, वापस से एक अकाउंट्स के रिविजन की इंपॉर्टेंस आ रही है, राइट? दैट एवरीवन इज फीलिंग कि थोड़ा सा अकाउंट्स वापस से रिवाइज करना चाहिए, थोड़े से कॉन्सेप्ट जो भी कॉन्सेप्ट हमारे पेंडिंग रह गए उन्हें वापस से जाके एक बार गो थ्रू करना चाहिए। एंड दैट इज द रीजन अब मैंने एक नया चेंज स्टार्ट किया है। मैं जो अपने सिलेबस का 12th का सबसे बड़ा सिलेबस होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है, दैट इज पार्टनरशिप, उसका मैं ओवरऑल रिविजन करवाना स्टार्ट करा, राइट? मैं पूरे कॉन्सेप्ट्स वापस से सिखा रहा हूँ। आई एम वेरी वेरी श्योर कि एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपको वो सब आता होगा, बट देन टू दिस पर्टिकुलर वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब मैं आपको पार्टनरशिप के पहले टॉपिक से लेके पार्टनरशिप के एंड वाले सारे टॉपिक तक सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स वापस से लेके जा रहा हूँ। So, आप लोग यहाँ पे बने रहो, मैं आपको पहले चैप्टर से लेके एंड डिसोल्यूशन तक पूरा का पूरा चैप्टर लाइन टू लाइन बताने वाला हूँ। जस्ट कीप फोकसिंग ओवर हियर, राइट? बताते रहिएगा मुझे आपको कैसा लग रहा है वीडियो। अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट चाहिए तो बताते रहिएगा, कुछ और नई चीज सीखनी हो तो भी मेरे साथ शेयर करते रहिएगा, ठीक है? चलिए आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज ऑल अबाउट बेसिक, अ वेरी वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, कि भैया पार्टनरशिप क्या होता है, किस तरह से पार्टनरशिप क्रिएट की जाती है, ऑल दैट बेसिक इन्फॉर्मेशन, राइट? चलिए तो जब हम बात करते हैं सबसे पहले पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप कहाँ से आया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है उसका डेफिनेशन कि पार्टनरशिप बेसिकली रिलेशन होता है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, जो लोग एक पर्टिकुलर लीगल बिजनेस करने के लिए आते हैं, जिनका मोटिव होता है उस बिजनेस से कमाए हुए पैसों को हम शेयर करेंगे, और इन सब चीजों के दौरान हम एक एग्रीमेंट करते हैं जिससे हर पार्टनर एक दूसरे के साथ बंधा रहे, देयर इज अ लीगल बाइंडिंग रिलेशनशिप। तो जब कभी भी ऐसा कुछ सेटअप होता है जहां दो से ज्यादा लोग मिलके साथ में एक लीगल बिजनेस करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग के मोटिव से, तो उस पर्टिकुलर बिजनेस को कहा जाता है पार्टनरशिप। तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या रहेगी, आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इस तरह से रहने वाली है कि पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग चाहिएंगे, राइट? एग्रीमेंट का होना जरूरी है, एग्रीमेंट 100% जरूरी है। एग्रीमेंट एक कमिटमेंट होता है कि भैया हम इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के अंदर, इस पर्टिकुलर बिजनेस सेटअप के अंदर एक डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम तक रहेंगे, दैट्स द रीजन एग्रीमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देयर मस्ट बी एग्रीमेंट। उसके बाद में बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, किसी भी अनलॉफुल बिजनेस के लिए, इलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप नहीं होती। अगर आपका बिजनेस इलीगल रहेगा तो आप उसके लिए कोई भी तरह की पार्टनरशिप नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट वन, बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा, आप जो भी पैसा कमाओगे वो एक डिफाइंड रेशियो में पार्टनर्स बांटेंगे। ये रेशियो पहले से डिटरमाइन किया जा सकता है कि भैया मेरा रेशियो इक्वल होगा या 2:1 होगा या 3:2 होगा, एनी पर्टिकुलर रेशियो कैन बी प्री डिटरमाइंड, राइट? सो आपका काम रहेगा उसका जो भी डिटरमाइंड रेशियो, उस रेशियो में हम लोग नॉर्मली पार्टनरशिप का प्रॉफिट शेयर करेंगे। एंड देयर मस्ट बी अ म्यूचुअल एजेंसी। नाउ व्हाट इज दिस म्यूचुअल एजेंसी? इट मींस वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। इसका मतलब हो गया एक पार्टनर सारे पार्टनर्स के लिए काम करेगा और बाकी सारे पार्टनर उस एक पार्टनर के लिए काम करेंगे। मींस देयर आर फोर पार्टनर्स इन अ फर्म, राइट? सो दिस वन पार्टनर इज गोइंग टू रिप्रेजेंट ऑल द थ्री पार्टनर्स एज वेल एज ऑल द थ्री पार्टनर्स आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस वन पार्टनर। तो एक पार्टनर बाकी तीन के लिए काम करेगा, वैसे बाकी तीनों उस एक के लिए काम करेंगे। सो एवरी पार्टनर इज वर्किंग फॉर वन एंड ऑल। आ रही है बात समझ में? सो उसे कहा जाता है म्यूचुअल एजेंसी। सो भैया पार्टनरशिप के पांच इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए, देयर मस्ट बी टू और मोर देन टू पर्संस, राइट? एग्रीमेंट का होना बहुत बहुत जरूरी है, बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं चलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, वहां पे प्रॉफिट शेयरिंग का एलिमेंट होना चाहिए, एंड द लास्ट वन इज म्यूचुअल एजेंसी का होना बहुत 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 जरूरी है, याद रहेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। आगे बढ़ेंगे। अब क्या ये जरूरी है कि भैया पार्टनरशिप डीड बने, एग्रीमेंट हो? देखिए एग्रीमेंट का होना जरूरी है। एग्रीमेंट दोनों तरीके से हो सकता है, आइदर द एग्रीमेंट कैन बी रिटन, आइदर द एग्रीमेंट कैन बी रिटन और द एग्रीमेंट कैन बी ओरल। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, बट ऑनेस्टली एक बात बताऊं, ओरल एग्रीमेंट कभी भी रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज देयर इज नॉर्मली नो एविडेंसेस फॉर ओरल एग्रीमेंट्स, राइट? हमने दो दोस्तों ने मिलकर काम चालू किया, हमने बोला चल देखा जाएगा, जो पैसा कमाएंगे आधा आधा कर लेंगे, बट हो सकता है कल जाके उन चीजों पे कुछ तनाव इकट्ठा हो जाए, इसलिए ओरल इज नेवर रिकमेंडेड। हमेशा रिटर्न एग्रीमेंट होना ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। बट क्या ये कंपलसरी है? नो 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 नो। इज इट एसेंशियल टू हैव अ पार्टनरशिप? नो, इट्स नॉट एट ऑल एसेंशियल टू हैव अ पार्टनरशिप, बट यस इट इज रिकमेंडेड टू हैव अ पार्टनरशिप, राइट? जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, बट यस रिकमेंडेड है, और सरकार ना चाहते हुए भी आपको कंपलसरी करवा ही देती है कि आपको पार्टनरशिप डीड करना ही पड़ता है, वरना आपको बेसिक लीगल राइट्स नहीं मिलते हैं।
इसलिए आप पार्टनरशिप डीड बनाओगे ही बनाओगे। बट सपोज मानते हैं हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, या भैया हमने डीड बनाई बट हमारी डीड कुछ चीजों के बारे में साइलेंट है, राइट? हमने डीड में बहुत चीजें लिख दी बट कुछ चीजों के बारे में डीड साइलेंट रह गई, मतलब कुछ चीजें हम डीड में मेंशन करना भूल गए, या मानो हमने डीड बनाई नहीं है, तो क्या होगा? अगर आप डीड नहीं बनाओगे तो यहाँ पे पांच किस्से हो सकते हैं। सबसे पहला, हमेशा अगर डीड नहीं है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली ही शेयर करना है कंपल्सरीली। जितने भी पार्टनर्स होंगे सब इक्वली शेयर करेंगे, दैट इज 1:1:1:1, जितने भी पार्टनर उतने में सब में इक्वली बटेगा। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी नहीं लिया जाएगा, राइट? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, या डीड बनाना भूल गए, या इस चीज के लिए डीड साइलेंट है, तो ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अब मतलब ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेंगे। नेक्स्ट वन, आपको ना सैलरी मिलेगी, ना कमीशन मिलेगा, ना बोनस मिलेगा, ना रेम्यूनरेशन मिलेगा। वैसे ही अगर कुछ नहीं कहा हो तो पार्टनर का जो लोन होता है, सो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय डिफॉल्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय डिफॉल्ट 6% पर एनम ही दिया जाएगा। और लास्ट एंड फिफ्थ वन, अगर डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर के एडमिशन के लिए हमें सारे पार्टनर्स का कंसेंट चाहिएगा, हमें कंसेंट चाहिए सारे पार्टनर्स का। अगर एक भी पार्टनर ना करेगा तो भैया वो एडमिशन पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी एडमिशन करवाना हो तो आपको सारे पार्टनर्स का कंसेंट बहुत 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 जरूरी है। तो ये कब होगा? जब भी हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो भैया ये पांच डिफॉल्ट क्लॉजेस हमें एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बटेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं देंगे, बाद में सैलरी नहीं, कमीशन नहीं, बोनस नहीं, रेम्यूनरेशन नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन पे 6% पर एनम दिया जाएगा। एंड द लास्ट वन इज एडमिशन करवाना होगा तो सारे पार्टनर्स की अनएनोनिमस कंसेंट चाहिए, अगर एक भी पार्टनर ना बोलेगा तो एडमिशन होना पॉसिबल नहीं है। सो ये कुछ चीजें आपको माननी पड़ेगी व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, राइट इनफ? यस। सो अब हम सीखने वाले हैं आगे पार्टनरशिप में बनाने जाने वाले अकाउंट्स, राइट? 11th स्टैंडर्ड में हमने सीखा था कि बेसिकली तीन अकाउंट बनाए जाते हैं। सबसे पहला तो होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा अकाउंट जो हम बनाते हैं उस अकाउंट का नाम होता है पीएनएल अकाउंट, और इसके बाद में एक हम स्टेटमेंट बनाते थे जिसका नाम हुआ करता था बैलेंस शीट, राइट? इस तरह से 11th में हम लोगों ने तीन अकाउंट्स को बनाना सीखा था, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट। सर पार्टनरशिप में दो नए अकाउंट ऐड हो जाएंगे, पहला हो जाता है पीएनएल अप्रूव अकाउंट, जिसको हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं, ये एक नया अकाउंट ऐड हो गया, और उसके बाद में ऐड हो जाता है कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट। ये दो अकाउंट नए आपके यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, पहला ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट अकाउंट, बस सॉरी बैलेंस शीट। इन शॉर्ट टोटली आपको पांच तरह के अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं पार्टनरशिप के अंदर। चलिए, तो आपके मन में आ रहा होगा सर ये तो बहुत टफ हो गया। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इट्स वेरी इजी, खाली बस थोड़ा सा और अच्छे तरीके से अकाउंट्स को प्रेजेंट किया जा रहा है। हम पिछली बार तक ये करते थे कि भैया हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था ट्रेडिंग अकाउंट से, आई एम श्योर आपको ये आता है ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालना है, नहीं आता तो मेरे 11th के वीडियोस देखना चालू करो, राइट? सो हम यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे, ये ग्रॉस प्रॉफिट आगे पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते थे, फिर हमें यहाँ से मिलता था भैया नेट प्रॉफिट, बराबर है? ये नेट प्रॉफिट अब ट्रांसफर होगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, अब यहाँ से मिलने वाला है डिविजिबल प्रॉफिट। क्या मिलेगा यहाँ से? डिविजिबल प्रॉफिट, अगर बाई चांस लॉस हुआ तो आ जाएगा डिविजिबल लॉस, ठीक है? अब ये डिविजिबल प्रॉफिट होगा तो ये कैपिटल के अंदर प्लस हो जाएगा, मतलब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अगर बाई चांस लॉस हुआ तो ये कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, मतलब पार्टनर से लिया जाएगा, राइट इनफ? फिर पार्टनर का जो भी क्लोजिंग कैपिटल आएगा, ये क्लोजिंग कैपिटल हम बैलेंस शीट में लिख देते हैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के तहत, यहाँ पे दोनों तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट लिख दिए जाएंगे। So, अब आपका नया वर्किंग कुछ इस तरह से रहने वाला है, मतलब आपके पास दो नए अकाउंट आ गए, पहला तो आ गया सर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा आ गया कैपिटल अकाउंट। डोंट वरी, मैं आपको यहीं पे पूरा का पूरा सिखाने वाला हूँ ये दोनों अकाउंट कैसे बनाते हैं, बड़े सिंपल है, डोंट वरी मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। चलिए बात करते हैं सबसे पहले अकाउंट की, जो मैंने अभी आपको बताया, दैट इज पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आपके मन में सबसे पहले विचार आ रहा होगा कि सर ये पीएनएल अकाउंट और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट दो अकाउंट बनाने की जरूरत क्या है? बात भी सही है, और ये दो दूसरे अकाउंट में हम लिखेंगे क्या, वो भी करेक्ट बात है। चलिए पहले बात करते हैं पीएनएल अकाउंट की। हम पीएनएल अकाउंट में यहाँ पे चालू करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट लिख के, बिजनेस के और बाकी सारी इनकम्स हम क्रेडिट में लिखते हैं,
और बिजनेस के बाकी सारे एक्सपेंसेस हम डेबिट में लिखते हैं, राइट। नॉर्मल ऑफिस एक्सपेंसेस यहाँ लिखे जाते हैं, यहाँ जो बचता है वो आ जाता है यहाँ पे नेट प्रॉफिट। अब हमारा आज का इंपॉर्टेंट अकाउंट, ये नेट प्रॉफिट हम लिखेंगे यहाँ पे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बेसिकली पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नाम खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को अप्रोप्रिएट किया जा रहा है, यहाँ पे हमारे कमाए हुए प्रॉफिट को बांटा जा रहा है। नॉर्मली हम हमारे कमाए हुए प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटते हैं या फिर उनको रिजर्व्स में ट्रांसफर करते हैं। सो एक तरीके से पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर पार्टनर्स को दिए जाने वाले सारे खर्चे और पार्टनर से होने वाली सारी इनकम प्लस रिजर्व्स में ट्रांसफर किए जाने वाला पैसा लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पार्टनर से मिलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो भैया वो मैं लिखूंगा इनकम साइड में। मुझे ए से मिला, बी से मिला, जितना भी मिलेगा नेट अमाउंट में बाहर लिख दूंगा। वैसे ही पार्टनर्स को मैं देता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी इंटरेस्ट मैं देने वाला हूँ ए और बी को, वापस से मैं यहाँ लिख के नेट अमाउंट बाहर लिख दूंगा। पार्टनर्स को दी जाती है सैलरी, वो सैलरी यहाँ लिख दिया जाएगा। पार्टनर्स को किसी तरह का कमीशन दिया जाएगा तो वो कमीशन यहाँ लिख दिया जाएगा। एंड लास्टली एंड फाइनली, लास्टली एंड फाइनली, अगर पार्टनर्स के साथ में कोई भी तरह का एक्सपेंसेस हो रहा है, राइट, अगर हम कोई भी तरह का रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जनरल रिजर्व में जो भी ट्रांसफर किया जाएगा वो जनरल रिजर्व में यहाँ आ जाएगा, राइट। जो भी हम किसी भी रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे वो बेसिक रिजर्व यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। सो जो भी रिजर्व में आपको प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है वो रिजर्व को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। अब रिजर्व में लिखने के बाद में यहाँ जो बचेगा उसे कहा जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। रिजर्व में लिखने के बाद में यहाँ पे जो भी बचेगा दैट वुड बी डिविजिबल प्रॉफिट व्हिच वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। जो भी रेशियो होगा पार्टनर का उस रेशियो में पार्टनर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वैसा वैसा अगर ये लॉस हुआ तो इस तरफ आ जाएगा और वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। याद रहना चाहिए आपको, प्रॉफिट होगा तो भी रहेगा, लॉस होगा तो भी रहेगा। प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स अकाउंट में कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, और लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। दोनों किस्सों में मिलता पार्टनर्स को ही है। तो ये मैंने आपको बताया पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कुछ बच्चे बोलते हैं कि भैया पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर्स का अकाउंट है, पार्टनर्स की इनकम एक्सपेंस का अकाउंट है। ठीक है, एक तरीके से आप सोच सकते हो। कुछ बच्चे बोलते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं या वो इनकम्स लिखे जाते हैं जो पार्टनर्स के लिए होती है, वो भी सही है। बट ऑनेस्ट डेफिनेशन पीएनएल अप्रोप्रिएशन की यही होती है दैट पीएनएल अप्रोप्रिएशन इज बेसिकली अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हम हमारे कमाए हुए प्रॉफिट को किस तरह से अप्रोप्रिएट करते हैं बिटवीन पार्टनर्स एंड बिटवीन रिजर्व, उस पर्टिकुलर अप्रोप्रिएशन को पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट शो करता है। याद रहेगा आप सबको, बहुत ही सिंपल टॉपिक था ये। और भी बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है, वो ये भी जानना चाहते हैं कि सर पीएनएल अकाउंट और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी कभार अमाउंट्स 19-20 हो सकती है, कि कभी एक आइटम जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आता हो आज अचानक से पीएनएल में आ जाए, ऐसा हो सकता है? यस हो सकता है, यस 100% हो सकता है। ऐसा माना जाता है, ऐसा हमेशा देखा जाता है कि पीएनएल अकाउंट में कंपल्सरी एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, मतलब जो हमारे लिए चार्ज, चार्ज हो मतलब फर्म ने पैसा कमाया हो या नहीं कमाया हो वो एक्सपेंस फर्म को चुकाने पड़ते हैं। वैसे एक्सपेंसेस पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखे जाते, वो पीएनएल में लिखे जाते हैं। तो कभी अगर क्वेश्चन में आपको कहा जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, आपको कहा जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, तो उस टाइम पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएनएल अकाउंट में भी लिखा जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, कंपल्सरी एक्सपेंस है। फर्म को प्रॉफिट हो या नहीं हो, फर्म को वो एक्सपेंस कंपलसरी भरना पड़ेगा। तो इसलिए उस टाइम हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाने की जगह हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक चार्ज है, याद रहेगा। सो ये छोटा सा मैंने स्टार्ट किया है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है पार्टनरशिप का। आज मैंने आपको पार्टनरशिप अकाउंट्स का बेसिक हिंट दिया है। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिखाने वाला हूँ, दो तरह के कैपिटल अकाउंट सिखाने वाला हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सिखाने वाला हूँ। तो ये सब इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद में हम सीखेंगे, राइट। सो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा एक फ्लो में जाए, हमेशा से अकाउंट्स कूद कूद के नहीं पढ़ा जाता, इट मस्ट बी सिस्टमैटिकली डन, राइट। सो जैसे ही आपका ये वीडियो कंप्लीट हो जाए, इतने सम्स आप अपने बुक्स में कीजिए, आफ्टर दैट मूव टू द नेक्स्ट वीडियो, जहां पे हम कैपिटल अकाउंट के मेथड्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में सीखने वाले रहेंगे। आई होप आपके लिए ये वीडियो क्लियर रहेगा। फिर भी कोई डाउट्स हो, कोई इश्यूज हो, बी फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ आवर चैनल, राइट इनफ। विल मीट अगेन इन आर नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही रहेगा, बाय बाय फॉर द डे।